Morning class 6. This is our English book, Real English, a multi-skill language course. तो हमने कल vocabulary section discuss किया था, lesson 4, the story of the river Ganga का. तो I hope आपने उसे अच्छे से देखा होगा, idioms समझे होंगे सारे. अगर किसी idioms में कोई doubt है आपको तो आप पूछ सकते हैं. तो सभी idioms को आपको लिखने के लिए बोला गया था और साथ में लर्न भी करना था. तो आज हम ग्रामर पार्ट को देख लेते हैं. लुक एट द पिक्चर ब्लो एंड फाइंड द फॉलोइंग. तो नीचे पिक्चर दी गई है, इसे ध्यान से देखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे. ठीक है, ब्लैंक्स को हमें फिल करना है. देयर आर अ कपल ऑफ, देखो अ कपल ऑफ इटैलिक्स में है, देखेंगे आगे. देयर आर अ कपल ऑफ डैश इन द रूम. तो कपल ऑफ का मतलब होता है जो क्वांटिटी में टू हो, जैसे कि अ कपल ऑफ शूज. वैसे नॉर्मली बोलते नहीं है कपल, हम किसको बोलते हैं, जोड़े को ही तो बोलते हैं, वेडिंग कपल है ना, दूल्हा और दुल्हन दोनों इंक्लूड होते हैं उसमें. तो कपल के अंदर टू चीज़ें आती हैं, इंक्लूड करेंगे. ठीक है, जैसे दो मिनट के लिए बोलना है गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आप दो मिनट मांग रहे हैं किसी से. ठीक है, देयर आर अ कपल ऑफ डैश इन द रूम. तो दो क्या हैं रूम के अंदर, दो और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, अलमीरा दिख रही हैं दो. तो देयर आर अ कपल ऑफ अलमीरा, ए एल एम आई आर ए एच, अलमारी को इंग्लिश में बोलते हैं अलमीरा. देयर आर अ कपल ऑफ अलमीरा इन द रूम. Both of them have a few books. A few का मतलब होता है, पहली बात तो इसका मतलब होता है of. ठीक है, Both of them have a few books. तो दोनों के पास कुछ books हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ ये countable के लिए use होता है. कोई छोटी चीज़ है, कुछ थोड़ी सी चीज़ के लिए हम क्या लगाते हैं, a few लगाते हैं. तो both of them have a few books. उन दोनों में कुछ ही books हैं. Some of the books are dash in color. तो उनमें से कुछ books कैसे color की हैं, मुझे कुछ yellow दिख रही हैं, red दिख रही हैं और green दिखाई दे रही हैं. तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकती हूँ. तो some का मतलब भी हम some को दोनों ही चीज़ों के साथ use करते हैं. एक तो हम इसे countable और uncountable दोनों के लिए use कर लेते हैं. ठीक है, जैसे हमें quantity की बात करनी है, number की बात करनी है, जैसे कुछ बच्चे या कुछ चीज़ें, सम ऑफ द बुक्स, कुछ पुस्तकें आर डैश इन कलर, उनमें से कुछ बुक तो किस कलर की हैं, येलो लगा लेते हैं हम, YELLOW, कुछ तो कैसे कलर की हो गई, येलो. देयर आर ऑल्सो अ कपल ऑफ डैश बुक्स. अच्छा, अब कपल ऑफ का मतलब फिर से क्या हो गया, टू, उनमें से दो बुक्स. देयर आर Also a couple of dash books and a black book. तो एक black book है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो गई black book. और कुछ couple of यानी कि दो कौन सी हो गई, red लगा सकते हैं या फिर दो को दो के साथ हम yellow भी ले सकते थे, यहाँ red ले लेते. ठीक है ना, तो यहाँ हमने लिखा red. Clear है. Next sentence, there is a table. एक वहाँ पे table है, तो वहाँ एक टेबल है, देयर इज अ टेबल, यहाँ एक टेबल है. इट हैज़ अ मग, इसके ऊपर एक मग है, ये आपको पिंक कलर का दिखाई देगा. इट हैज़ अ मग, अ डैश, डैश के लिए मैं कैटल, केतली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं. तो इट हैज़ अ मग, अ कैटल, KETLE, कैटल, एंड अ फ्यू क्यूब्स लिखा है, तो ये आइस क्यूब्स होंगे यहाँ पे, तो ये हो गया. एंड अ फ्यू आइस क्यूब्स यानी कि बर्फ के टुकड़े, उनको क्या बोलते हैं हम, आइस क्यूब्स. इट ऑल्सो हैज़ अ पेन स्टैंड विद अ फ्यू, कुछ क्या है इसके अंदर, पेन्स दिखाई दे रहे हैं हमें, तो PENS. इट ऑल्सो हैज़ अ पेन स्टैंड विद अ फ्यू पेन्स एंड, और क्या है, पेंसिल, तो एक इसके अंदर PENCIL, पेंसिल हो गई. देयर इज़ अ डैश वास, तो एक गमला, फ्लावर पॉट को हम क्या बोलते हैं, वास बोलते हैं. तो कौन से कलर का है ये, ब्लू कलर का. तो देयर इज़ अ
ब्लू वास विद अ फ्यू, क्या है इसके अंदर कुछ फ्लावर्स हैं, तो हम लिख लेंगे FLOWER, इट विद अ फ्यू फ्लावर, कुछ फ्लावर है उसके अंदर। देयर इजंट एनी डैश ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर क्या नहीं है, हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे एक हमें छोटा सा टीवी दिखाई दे रहा है, फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये टेबल पे तो नहीं है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे फ्रूट, FRUIT, फ्लावर्स कर लेंगे यहाँ पे विद अ फ्यू फ्लावर्स, कुछ है ना। देयर इजंट एनी फ्रूट ऑन द टेबल, टेबल पे कोई फ्रूट नहीं है। देयर इज नॉट मच, एक वर्ड आया मच, देयर इज नॉट मच एल्स ऑन दैट बिग टेबल, ज्यादा कुछ नहीं है टेबल पे, ठीक है ना। मच क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, काउंटेबल हो जाता है ये, ठीक है। तो मच हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, मैनी हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, मच हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करेंगे। देयर इज अ विंडो, वहां एक विंडो है। सम डैश आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो सम क्या हो जाएगा कुछ, तो क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, तो सम बर्ड्स BIRDS, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। देयर इज अ डैश इन द रूम, रूम में हम चेयर लिख सकते हैं, हम कारपेट लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं जो हमारा मन करे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कारपेट, देयर इज अ कारपेट, CARPET, कारपेट इन द रूम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, पे क्लोज अटेंशन टू द वर्ड्स इन इटैलिक्स, तो जो इटैलिक्स में यानी कि स्लांट टेढ़े लिखे गए जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे। दे टेल अस द नंबर ऑफ थिंग्स, वो हमें चीजों की क्वांटिटी बता रहे हैं, नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द रूम, जो कि रूम के अंदर प्रेजेंट हैं। दे टेल अस हाउ मैनी थिंग्स लाइक बुक्स पेंस पेंसिल्स एक्सेट्रा आर देयर इन द रूम, और वो ये बता रहे हैं कि रूम के अंदर कितनी चीज़ें हैं, बुक्स कितने बुक्स हैं, पेंस हैं पेंसिल हैं, ये सब कुछ हमें बता रहे हैं। दे ऑल्सो टेल अस वट इज नॉट देयर ऑन द टेबल, और ये हमें ये भी बता रहे हैं कि टेबल के ऊपर क्या नहीं है। द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स टेल अस द नंबर ऑफ थिंग्स नाउन दैट आर प्रेजेंट, तो इटैलिसाइज्ड जो वर्ड्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ थिंग्स चीज़ों की बता रहे हैं क्वांटिटी, नंबर ऑफ थिंग्स कितने नंबर हैं, या नाउन की क्वांटिटी कितनी है जो कि वहाँ प्रेजेंट है। काउंटेबल, देखो नाउन हम कैटेगरी कर सकते हैं इसको, कैटेगराइज टू पार्ट्स में, जब हम इसे काउंटिंग के बेसिस पे देखते हैं तो या तो चीज़ काउंट की जा सकती है या फिर चीज़ काउंट नहीं की जा सकती, तो इस बेसिस पे हम इसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स में कैटेगराइज करते हैं। तो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, एंटिटीज लाइक ऑब्जेक्ट्स पीपल प्लेस एक्सेट्रा दैट कैन बी काउंटेड, ऐसी चीज़ें या आदमी प्लेसेस कुछ भी जो कि काउंट किया जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट्स एंड इंफॉर्मेशन विच आर नॉट इंडिविजुअल एंटिटीज एंड कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके अंदर ग्रुप आ सकता है, हम इन्हें कम ज़्यादा में बता सकते हैं पर हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे इमेजिनेशन, कि मेरे इमेजिनेशन पावर बहुत बड़ी है, बट आप कह तो नहीं सकते इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है, नहीं हम नहीं काउंट कर सकते। वुड को नहीं काउंट कर सकते, मैंने तुम्हें बहुत एडवाइस दिया, क्या तुम कहोगे मैंने तुम्हें 5 एडवाइस दिए हैं, हम काउंट नहीं कर सकते एडवाइस को, ठीक है। बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स नीड एक्सप्रेशंस लाइक अ सम एनी मैनी एक्सेट्रा टू इंडिकेट देयर नंबर और क्वांटिटी, तो दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को ऐसे एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ती है जैसे कि अ सम एनी मैनी, इस तरीके के एक्सप्रेशन से वो इंडिकेट करते हैं क्या नंबर या फिर क्वांटिटी को। सम एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी आर गिवन इन द टेबल बिलो, तो कुछ एक्सप्रेशंस नीचे दिए गए हैं और उनको हम किसके साथ यूज करते हैं ये भी दिया गया है।
एक्सप्रेशन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, तो ये एक्सप्रेशंस हो गए नंबर और क्वांटिटी, क्वांटिटी इंडिकेट करने के लिए। यहाँ पे नाउन की टाइप दी हुई है काउंटेबल या अनकाउंटेबल, किसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं और उनकी यूसेज। तो देखेंगे एनी या नॉट एनी, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के ही साथ यूज़ की जाती है। और किस लिए यूज़ की जाती है, टू रेफर टू एन अमाउंट और अ नंबर ऑफ समथिंग, किसी की अमाउंट की वो कितनी क्वांटिटी में है या उस कितने नंबर में है ये बताने के लिए। हाउएवर लार्ज और स्मॉल, लार्ज है या स्मॉल है ये बताने के लिए। डू यू हैव एनी ब्रदर, क्या तुम्हारा कोई भाई है, तो ये नंबर ऑफ समथिंग बता रहा है कि कितने। डू यू हैव एनी ब्रदर, क्या तुम्हारा कोई भाई है, तो यहाँ पे एनी का हमने यूज़ किया है, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ समथिंग बता रहा है। नो, नो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ किया जाता है टू कन्वे अ नेगेटिव आइडिया, नेगेटिव आइडिया को बताने के लिए। जैसे देयर आर नो विनर्स इन दिस कंटेस्ट, तो इस कंटेस्ट में कोई भी विनर नहीं है, तो नो क्या है, एक नेगेटिव आइडिया प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। देयर इज नो मिल्क इन द जग, जग में कोई मिल्क नहीं है, कोई तो नहीं हम इसको बिल्कुल बोल सकते हैं, देयर इज नो मिल्क इन द जग, जग में कुछ भी नहीं है ये बताने के लिए ये इंडिकेट कर रहा है। वन काउंटेबल के यूज साथ यूज करते हैं, ही नीड्स ओनली वन पेंसिल, उसे केवल एक पेंसिल चाहिए, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। टू, ये भी काउंटेबल हो जाएगा, गिव मी टू पेंसिल्स, काउंटिंग बताने के लिए है, टू की काउंटिंग बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। अ कपल ऑफ, अ कपल ऑफ मैंने अभी आपको बताया था हम पेयर के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं इसे, पेयर के लिए। और इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, पेयर ऑफ टू, पेयर ऑफ टू ये भी काउंटेबल होता है, टू इंडिकेट ओनली टू, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये काउंटिंग में टू को बताता है। Do you have a couple of minutes to sign this form? क्या तुम्हारे पास दो मिनट हैं ये फॉर्म साइन करने के लिए, तो इस तरीके से हम a couple of का यूज़ करते हैं। A few of ये भी क्या है, countable, to talk about a small number of something, जब हम किसी चीज़ के बारे में बताएं कि ये छोटी सी है, कम के बारे में, कम कोई चीज़ कम हो उसके बारे में बताते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, a few। I have got a few friends, मेरे मुझे कुछ ही दोस्त मिल गए हैं, कुछ ही दोस्त हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो अ लिटिल अनकाउंटेबल के साथ हम यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट अ स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी, छोटी अमाउंट या क्वांटिटी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आई हैव अ लिटिल टाइम लेफ्ट बिफोर द शॉप क्लोजेस, तो दुकान बंद होने से पहले मेरे पास थोड़ा ही समय है। सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करते हैं। टू से अ नंबर ऑफ, तो यहाँ अ नंबर ऑफ बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इसे। यूजुअली नॉट अ बिग नंबर, ज़्यादातर हम इसे छोटे नंबर के लिए, कुछ बताने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। देयर वर सम चिल्ड्रन इन द पार्क, पार्क में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे यानी कि ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं। टू मीन एनी क्वांटिटी या फिर किसी क्वांटिटी को बताने के लिए। आई हैव सम मनी विच यू कैन बोरो, मेरे पास कुछ मनी है जो तुम उधार ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ी ही क्वांटिटी को बताने के लिए अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में यूज किया जाता है, क्या, सम। आगे चलते हैं, सेवरल, सेवरल भी कुछ के लिए ही यूज किया जाता है, काउंटेबल के लिए यूज करते हैं। टू से मोर देन टू और थ्री, दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेवरल का। सेवरल मिनिस्टर्स अटेंडिंग द मीटिंग, तो दो या तीन से ज्यादा हों, कुछ ज़्यादा हों, तो हम यूज़ करते हैं सेवरल। कुछ मिनिस्टर्स ने मीटिंग अटेंड की, ठीक है। मच, अ बिट ऑफ, अनकाउंटेबल के साथ हम यूज़ करते हैं। टू से हाउ मच देयर इज ऑफ समथिंग, किसी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं कि ये कितनी है, ठीक है ना, कितनी उसकी, कितनी वो चीज़ प्रेजेंट है। दे हैवंट हैड मच लक इन फाइंडिंग देयर कार, उनका लक इतना अच्छा नहीं था उनकी कार फाइंड आउट करने में, ठीक है। मच इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, मतलब देखो यहाँ पे हमने बोला इतना अच्छा नहीं था, तो नेगेटिव सेंस ही है। और जैसे मच को नेगेटिव सेंस में कैसे यूज करेंगे, देयर इजंट मच टाइम टू रेस्ट, ज्यादा समय नहीं है आराम करने के लिए, है ना। तो मच टाइम ज्यादा के लिए यूज हुआ, पर वो एक नेगेटिव सेंटेंस के तौर पर यूज किया जाएगा। मैनी काउंटेबल के साथ यूज किया जाएगा, देखो ये मस्ट था ये अनकाउंटेबल के साथ हमने यूज़ किया, और मैंने को हमने
countable के साथ यूज किया, टू से अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, किसी ज्यादा चीज के बारे में बात करनी होगी तो हम किसका यूज करेंगे, मैनी। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के पैरेट्स हैं, यानी कि काफी वैरायटी है उस चीज की, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, मैनी। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, countable और uncountable में। टू टॉक अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ क्वान्टिटीज, ज़्यादा क्वान्टिटी के बारे में बात करते हैं, स्पेशली इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, जब हम अपने क्लोज डियर वंस के साथ बात करते हैं उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, छुट्टियों में मेरे पास काफ़ी समय, बहुत ज़्यादा समय फ्री होता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ, ये countable के लिए हम यूज़ करते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ टाइगर्स इन दिस फॉरेस्ट, तो काफ़ी मतलब कितने सारे नंबर ऑफ टाइगर्स जिन्हें हम काउंट कर सकें, टाइगर्स हैं फॉरेस्ट के अंदर। मोस्ट को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करते हैं। टू से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ समथिंग, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ समथिंग, कुछ में से मोस्टली सारा ही। मोस्ट हाउसेज हेयर आर ऑक्यूपाइड, तो ज़्यादातर बोलते हैं जब, उसको हम मोस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ जितने भी अवेलेबल हैं उसमें से ज़्यादातर की जब हम बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, मोस्ट। तो ज़्यादातर जो घर हैं वो मतलब उनमें कोई रहता है, घेरे हुए हैं वो घर। ईच हम काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। टू से एवरी इंडिविजुअल वन, तो एवरी इंडिविजुअल वन को बोलने के लिए हम ईच, हर एक की बात होती है जब। ईच टिकट कॉस्ट अराउंड रुपीज 100, तो हर टिकट 100 रुपये की है, हर एक टिकट, ऐसी नहीं कि एक 10 की है, एक 50 की है, टोटल 100 की है, हर एक अलग अलग की हम बात करें तो सब 100-100 रुपये की हैं, ठीक है। एवरी countable के साथ यूज़ होता है। टू टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स और पीपल प्रेजेंट इन अ ग्रुप, जब हम सभी लोगों की बात करते हैं, जब कोई मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जैसे हम क्लासरूम को एवरीबडी हम यूज़ करेंगे, यानी कि हर एक की बात हो रही है। एवरी स्टूडेंट हैज़ टू सबमिट देयर वर्क ऑन टाइम, सभी को अपना काम समय पर सबमिट करना है। ऑल अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों केसेस में यूज़ होता है। टू से एवरी, हर एक के लिए ही इसे यूज़ करते हैं। हैव यू ईटन ऑल द आइसक्रीम, क्या तुमने सारी आइसक्रीम खा ली है, तो सभी सारी के लिए, कंप्लीट के लिए हम ऑल का यूज़ करते हैं। अब सी वन सेक्शन, चूज बिटवीन मैनी और मच टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो हमें यहाँ पे मैनी और मच यूज़ करके ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। आई डोंट हैव मच या मैनी हेयर, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे जो आपको समझ में आया, ये आप खुद करेंगे, मैं इसे चेक करके फिर बताऊंगी कि क्या आना चाहिए था, उसके सॉल्यूशन वीडियो बाद में आएगी। नेक्स्ट है सी टू सेक्शन, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सम और एनी, तो यहाँ सम और एनी का यूज़ करना है। शी इज़ गोइंग टू द पार्टी विद सम या एनी रिलेटिव, तो दोनों में कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, किसका यूज़ होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसे फिल करेंगे। फिर बिलो आर सम नाउन्स दैट कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यहाँ कुछ नाउन हैं जो बोथ अनकाउंटेबल और काउंटेबल हैं। मेक सेंटेंसेस फॉर ईच कैटेगरी, मतलब जो काउंटेबल में आते हैं उन्हें काउंटेबल में फिल करेंगे, जो अनकाउंटेबल में आते हैं वो अनकाउंटेबल में फिल करेंगे। तो यहाँ तक आप करेंगे, बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में फिल नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ तक करेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।